Welcome to Abhipedia guys, myself Dr. Dharmender, and today I am going to discuss another important topic for UPSC, that is coral reef bleaching. इसके ऊपर बहुत बार UPSC के अंदर क्वेश्चन आया, तो थोड़ा सा इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि कोरल रीफ ब्लीचिंग के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आता है एंड उस क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. तो पहले थोड़ा बेसिक डिस्कस करते हैं, व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग, राइट. ओके, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देखो, ठीक है, यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग के अंदर अगर मैं सिर्फ कोरल की बात करूँ, कोरल रीफॉर्मेशन होती है, कोरल की बात करूँ, इट इज अ बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन कोरल पॉलिप विच इज एनिमल एंड एल्गी. एल्गी का नाम है जूजेंथेले. एल्गी और कोरल का सिम्बायोटिक रिलेशन है. हमें याद क्या करना है कि एल्गी प्रोवाइड फूड एंड कोरल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तो ये इनका सिस्टम एक चलता है. नाउ अब कोरल रीफ, अब रीफ कैसे फॉर्म होती है, अगर आप स्लाइड के अंदर देखो तो उसके अंदर आपको एक ऊपर कोरल की पिक्चर है और नीचे जो डॉट डॉट दिखाए गए हैं उसके अंदर वो है जूजेंथेले, एल्गी जो कोरल के अंदर होती है, ठीक है. बिकॉज आपको पता है एल्गीज है फोटोसिंथेटिक, राइट, फोटोसिंथेसिस करती है. सो फोटोसिंथेसिस करेगी, ऑटोट्रॉफ है, इट कैन मेक इट्स ओन फूड. अब जब फूड बनाएगी तो वो उसको कोरल को फूड देती है, कोरल गेट्स फूड फ्रॉम एल्गी एंड इन रिटर्न उसको प्रोटेक्शन देता है. सो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है दोनों के अंदर, ठीक है. दूसरी बात, अगर मैं अब बात करूं कि कोरल रीफ फॉर्मेशन की, अब ये स्लाइड देखो, यहाँ पे सिंपल सा आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कैसे कोरल रीफ फॉर्मेशन होती है, उसकी मैंने एक फ्लो ही बनाया हुआ. देखो कोरल का स्केलेटन कैसे बनता है, कोरल नीड कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयन, वो ओशन से लेती है कैल्शियम एंड कार्बोनेट और उसका एक स्केलेटन बनाती है. सो फर्स्ट देखो पॉइंट, कोरल यूज कैल्शियम एंड कार्बोनेट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से उसने लिया, फॉर्म लाइमस्टोन, अब स्केलेटन बना दिया. अगर नीचे उसके देखोगे पिक्चर के अंदर तो ऐसे कोरल के नीचे एक स्कर टाइप फॉर्मेशन होती है, दैट इज वी कैन से स्केलेटन ऑफ कोरल. देन थर्ड देखो, अटैच टू द रॉक एट सी फ्लोर, अब ये रॉक के साथ वो अटैच हो गया, एक सिंगल कोरल की बात कर रहा हूं, अब ये डिवाइड होगा, इट फॉर्म क्लोन्स, बहुत सारे क्लोन बन जाएंगे. जैसे बहुत सारे क्लोन्स बनेंगे उसके बाद क्या होगा, अब जितने क्लोन बन गए वो एक कॉलोनी बन जाएगी पूरी और वो ग्रो करती जाती है एंड आपका पूरा रीफ सिस्टम बन जाता है. तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रीफॉर्मेशन. आप एग्जाम के अंदर इवन ज्योग्राफी के अंदर आएगा तो यू कैन राइट, एक फ्लो चार्ट के अंदर लिख सकते हो, मेंस के अंदर भी, ठीक है. नाउ अब बात करता हूं, नेक्स्ट इज थ्रेट. चलो ये तो हो गया कि कोरल की फॉर्मेशन कैसे, कोरल क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन कोरल पॉलिप एंड एल्गी. सेकेंड इज इसकी रीफ कैसे फॉर्म हुई. नाउ द थिंग इज के जैसे हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपने बहुत बार न्यूज के अंदर सुना है, CO2 इंक्रीज हो रही है, CO2 इंक्रीज होके कोरल के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है. हमने ये तो पढ़ा है, ये सुना भी है हर बार कि जी कोरल CO2 इंक्रीज हो गई उससे कोरल ब्लीचिंग हो रही है, लेकिन हो कैसे रही है, आपको प्रोसेस तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए. नाउ ओशियन एसिडिफिकेशन इज ऑल्सो लिंक्ड विद इट. पहले थ्रेट देखते हैं, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया मेनली टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ओवर एक्सपोजर, सनलाइट का ओवर एक्सपोजर हो गया, एक्सट्रीम लो टाइड, रन ऑफ, पोल्यूशन, ये बहुत सारे, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंक्रीज इन अल्ट्रावायलेट, बहुत सारे रीजन है जिससे कोरल को हार्म हो सकता है, ठीक है, ये आपने उसके अंदर भी पढ़ा होगा. नाउ द मेन थिंग कि कोरल को थ्रेट कैसे, पहले तो हम समझते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन. कि ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है, हम बोलते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ओशियन एसिडिफिकेशन का क्या मतलब, कि ओशियन एसिडिक है, नहीं, दैट इज रॉन्ग. एसिडिफिकेशन इज ओशियन इज बिकमिंग अ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू प्रीवियस. राइट नाउ अराउंड 8.1, मतलब पहले 8.2 पीएच थी ओशियन की, अब वो 8.1 की तरफ जा रही है, दैट इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन. ऐसा नहीं है कि उसकी पीएच 7 से नीचे चलेगी, एक तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. नाउ थिंग इज कि CO2 आपके ओशियन एसिडिफिकेशन से कैसे लिंक्ड है. CO2 जैसे ही इंक्रीज हुई एटमोसफियर के अंदर, अब ये वाटर के अंदर जाएगी. आप स्लाइड देखो, इसके ऊपर मैंने फर्स्ट एक्शन देखो, CO2 ऊपर से आ रही है, CO2 वाटर के अंदर चलेगी. अब CO2 वाटर से कंबाइन करेगी फर्स्ट एक्शन के अंदर, देखो इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ HCO3 बाई कार्बोनेट आयन. HCO3 नेगेटिव बन गया, प्लस H आयन बन गया,
मतलब जितना आप CO2 ऐड करोगे उतना ही वाटर से रिएक्ट होगी, उतने ही एच आयन इंक्रीज होंगे। नाउ द मोर एच आयन प्रेजेंट इन ओशियन मींस मोर द ओशन इज एसिडिक। तो ये होगी हम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओशियन एसिडिफिकेशन। अब ये ओशियन एसिडिफिकेशन आपकी कोरल से कैसे लिंक्ड है, इसी स्लाइड के ऊपर सबसे नीचे आ जाओ, यहां पे लिखा है कोरल CaCO3। मैंने ऑलरेडी बताया कि कोरल का स्केलेटन किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं बोलूं उसको रिवर्स करो, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, इससे बना है। ये बनके क्या फॉर्म करता है, CaCO3। ये हमें नीचे रिएक्शन समझ आ गई कि कोरल को फॉर्मेशन के लिए स्केलेटन को कैल्शियम एंड कार्बोनेट चाहिए। अब आ जाओ ऊपर जहां पे एच आयन बने थे। एच आयन मतलब कब बनेंगे, जितना ज्यादा CO2 इंक्रीज होगा ओशियन के अंदर उतने ही एच आयन बनेंगे। वो एच आयन क्या करते हैं, वो जो कार्बोनेट आयन है प्रेजेंट CaCO3 2 नेगेटिव ओशियन के अंदर उससे कंबाइन करते हैं जो बीच वाली रिएक्शन है, और ये फॉर्म कर देता है बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि कोरल को फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, दो चीजें, कैल्शियम एंड कार्बोनेट। लेकिन जितना ही आपका CO2 वाटर से कंबाइन होता है उतने एच आयन इंक्रीज होते हैं, जितने एच आयन इंक्रीज होते हैं वो उतना ही कार्बोनेट ओशन से ले लेते हैं। इट मींस कि अब कोरल के पास कार्बोनेट नहीं है जिससे वो स्केलेटन बनाए, कैल्शियम तो है बट कार्बोनेट डिक्रीज हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग, और वी कैन से डिसोल्यूशन ऑफ स्केलेटन ऑफ कोरल। ठीक है, यहां पे आपको याद ये रखना है कि CO2 इंक्रीज करके हार्म क्या कर रही है, कि कोरल कार्बोनेट आयन स्क्वीज कर रही है थ्रू एच आयन। अब कोरल के लिए स्केलेटन बनाना मुश्किल है। सेकंड टाइप क्या होता है कि जो ऑलरेडी स्केलेटन डिपॉजिट है एट ओशियन फ्लोर, उस स्केलेटन को भी ये डिजोल्व करने लगता है, उसमें से भी कार्बोनेट ले लेता है। फर्दर फॉर्मेशन अगर मैं बोलूं स्केलेटन की होगी एग्जाम में ऐसा आ गया, नहीं, वो भी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कार्बोनेट नहीं है। सो दिस इज द इंपैक्ट, दिस इज द बेसिकली लिंक बिटवीन ओशियन एसिडिफिकेशन एंड कोरल स्केलेटन फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो कोरल ब्लीचिंग, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ज्यादा, ठीक है, या सनलाइट ज्यादा इंक्रीज हो गई, वेरियस रीजन। क्या होता है कि कोरल स्ट्रेस के अंदर आता है। अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, स्लाइड को, फर्स्ट स्लाइड के अंदर जो सबसे मेरे इस साइड के ऊपर है, येलो ग्रीन कलर के गोल गोल टिश्यूज बनाए हुए हैं, उसके अंदर डॉटेड ग्रीन कलर वो है आपकी एल्गी। फर्स्ट पिक्चर से मतलब ये नॉर्मल कोरल है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कोरल स्ट्रेस के अंदर आ गया। सेकेंड पिक्चर के अंदर चले जाओ, ग्रीन डॉट बाहर आ गए, मतलब वो आपकी एल्गी बाहर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, एल्गी प्रोवाइड फूड एंड कलर, अराउंड 90% फूड एल्गी प्रोवाइड करती है, कलर भी प्रोवाइड करती है। थर्ड पिक्चर के अंदर आ जाओ जिसके अंदर आपको व्हाइट कलर दिखाया हुआ, दैट इज कॉल्ड कोरल ब्लीच्ड। अब वो व्हाइट कलर हो गया, उसके अंदर कलर नहीं। क्वेश्चन आपको ये आता है कि क्या क्लाइमेट चेंज से सारे ही कोरल ब्लीच हो जाएंगे, वो गलत है। फ्यू कोरल कैन सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ये दे आर नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन एल्गी। फ्यू कोरल कैन ऑल्सो यूज बाइकार्बोनेट, हमने बोला ना कार्बोनेट डिक्रीज हो गए और बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो गए, वो बाइकार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरल, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फर्दर मैं करूं कि एग के ऊपर, कोरल के एग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, एग के ऊपर एज सच एसिडिफिकेशन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, हार्ड स्ट्रक्चर। लार्वा के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि लार्वा आपकी जो अडल्ट स्टेज के अंदर नहीं पहुंचता, अडल्ट के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरल ब्लीचिंग, आई होप कि आपको ये छोटा क्रिस्प कंसेप्ट समझ आया होगा कि ब्लीचिंग होती कैसे। बाकी सबको तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने इसको एक अलग एंगल से आपको दिखाया है, समझाया है कि कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।